क्वेश्चन जरा रीड करें, आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है क्वेश्चन, आपको रीड करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने रीड किया तो तभी आपको समझ आएगी। जी सर, द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ पार्ट ऑफ अ जर्नी फॉर टू व्हीकल्स, कार एंड अ बस। देखो दो कैलकुलेट द व्हीकल्स हैं, एक्सीलरेशन एक ऑफ द कार है बस। और एक व्हीकल है, ठीक है, और एक सॉरी एक कार है और एक बस है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 सेकेंड्स, कि पहले 18 सेकेंड्स में गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी थी। तो आपको पता है कि वो होता है ग्रेडियंट, ठीक है, तो ये गाड़ी है यहां से, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो आपने निकालना है राइज बाय रन, तो ये मुझे बताएं कि राइज बाय रन क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू राइज डिवाइड बाय रन। तो राइज कितना है बेटा, 24 माइनस 10, वेरी गुड, तो 24 माइनस 10 14, इज 14, दैट इज द राइज। और रन कितना है बेटा, 18, तो 14 18, डिवाइड बाय 18 कर लें कैलकुलेटर पे, 14 डिवाइड बाय 18, तो ये आता है हमारे पास 0.7778, हम लिख लेंगे 0.78, ठीक है बेटा, 0.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा, जरा एक मिनट, जरा लेट मी फिनिश समथिंग, आप लोग ये लिख लें इतनी देर, पार्ट बी को ट्राई करें थोड़ा थोड़ा सा। पार्ट बी को ट्राई कर लें बेटा, जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि साथ साथ बोलते जाए, मैं सुन सुन रहा हूँ, जरा एक काम कर रहा हूँ मैं। कुलसुम रीड करो बेटा पार्ट बी। इन द फर्स्ट 40 सेकेंड द कार ट्रेवल 134 मीटर मोर देन द बस, मतलब 40 सेकेंड्स में गाड़ी ने गाड़ी जो है, ठीक है, वो 40 सेकेंड ज्यादा, मतलब देखो ना दोनों की जर्नी 40 सेकेंड्स की है, लेकिन बस की है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, बस एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, लेकिन गाड़ी ने पहले स्ट्रेट वे में पहले पहले स्टार्ट में उसको स्पीड को ज्यादा किया और फिर उसकी स्पीड ऑलरेडी रिड्यूस होना शुरू हो गई। येस और नो, रिड्यूस नहीं कॉन्स्टेंट हो गई, सॉरी कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रही है, नजर आ रहा है बेटा। जी सर, तो इसका क्या मतलब है बेटा, जी आफ्टर 18 सेकंड्स कार और बस की स्पीड सेम थी। हाँ जी, तो आखिरी आखिर में तो हम लोग छोड़े ना उसको, ठीक है, अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले गाड़ी की, पहले हम लोग डिफरेंट एरियाज निकालेंगे इस ग्राफ के, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है ना, दैट इज व्हाट योर डिस्टेंस इज, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास गाड़ी का डाटा मौजूद है, हम लोग गाड़ी का निकाल लेंगे कि गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया है डिस्टेंस, ठीक है, तो कार डिस्टेंस क्या जी, कार डिस्टेंस, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा गौर करें जहां पे गाड़ी बनी हुई है, तो मैं जरा ये शेप जरा पूरी आउट कर रहा हूं, ठीक है बेटा, पहले जरा ये गौर करें कि जहां पे गाड़ी बनी हुई है, ठीक है, यहां पे है, फिर यहां पे है, ठीक है बेटा, यहां पे लिखा है 10, यहां पे लिखा है 0, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 18 और यहाँ पे हो गया 40, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, क्या नाम है आपका काशिफ, दैट 40 माइनस 18 इज 22, तो ये 22 है, यस और नो? बिल्कुल सर, डोंट यू थिंक दैट इट्स द ट्रेपेजियम? यस सर इट इज, या इट्स अ ट्रेपेजियम, ये जो डॉटेड लाइन वाला है ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, और राइट साइड पे रेक्टेंगल है, ठीक है, दो दो शेप्स आपके सामने नजर आ रही है, एक ये है, ठीक है, और एक साथ में है आपके पास ये, ना आपको ये पता है कि ये डॉटेड लाइन जो है ये 24 है, एग्री, ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि इट्स 24 एंड दैट इज 10, तो कार का एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कार का डिस्टेंस होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यस 10 प्लस 24, ठीक है, एंड द हाइट इज 18 सेकेंड्स, ये हो गया कार, प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज 22 मल्टीप्लाई बाय 24, यस और नो? क्या नाम है आपका काशिफ, ठीक है, जरा कैलकुलेटर में पुट करके देख के बताएं मुझे क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/2 × 34 × 18 + 22 × 24 इज
22 multiplied by 24. 22 multiplied by 24 is 528. 835. 834. ये first one का? नहीं sir, दोनों का. 34 multiplied by 18 divided by 2. So it's 306 plus 528. So कितना आ गया बेटा? That is equals to 834. तो 834 किसका area distance आ रहा है? Car का. अब क्या कहता है? कार ने 134 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया बस से, तो बस ने कितना ट्रेवल किया होगा? 834 माइनस 134 तो कितना आता बेटा? 700 आ रहा है? यस सर. ओके, अब जरा बस की तरफ देखो, जरा हमें वी निकालना है. अच्छा, वी के वी क्या चीज है? तो वी जो है हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, जिसका टोटल एरिया हमारे पास मौजूद है दैट इज 700 और यहाँ पर है नीचे 40 और ये हमारे पास x नहीं है कि x क्या चीज है. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस और नो? यस यस. सो एरिया 700 इज इक्वल्स टू 40x लेंथ इनटू ब्रेड डिवाइड बाय 40 ऑन बोथ साइड्स. तो 700 को बेटा 40 में डिवाइड करें, क्या आता है आंसर? जी बोले सर, आपने जो 700 एरिया है, ये कौन से एरिया है? मतलब ये किस चीज का एरिया है? बेटा ये बस का है, बस की डॉटेड लाइन वाला रेक्टेंगल नजर नहीं आ रहा आपको पूरा, जो मैंने बाय ड्रॉ कर दिया? तो इसके जो नीचे वाला है, मतलब जो रेक्टेंगल है, ये वही वाला है? हाँ देखो ना, ये रेक्टेंगल है ना, एरिया जो है ना ये 700 है और ये अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है? क्लियर है? यस सर. ओके चलें जी, जरा ये पढ़ें, जरा आपको क्या नाम है उसका, मरियम. अ ट्रेन टेक्स 10 मिनट्स 30 सेकंड्स टू ट्रैवल 16,240 मीटर. Calculate the average speed okay. of the train. Give your answer in kilometer per hour. Okay, तो पहले जरा speed का formula बता दे मुझे. Distance by time. Okay. Okay. यहाँ पे distance is given in meter, तो इसको kilometer में convert करने के लिए 1000 पे divide करेंगे. तो ये आ जाएगा 16.24. Yes or no? Yes, sir. और आवर के लिए 10 आवर्स और 10 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, तो हम लोग कैलकुलेटर की मदद पे हम लोग कर सकते हैं इजीली टाइम कन्वर्ट, पेपर में टाइम बचाना. तो ये है 10 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, तो 0 आवर्स 10 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स दैट इज इक्वल्स टू दिस. ओके एसएनडी दबा दें 7/40 और ये दबा दें 0.175 आवर्स आता है ये, तो 0.175 आवर्स. तो ये जरा इनको डिवाइड करना है, 16.24 divide by 0.175, so the answer is 92.8 kilometer per hour. ठीक है बेटा, समझ आ गई सबको? कैलकुलेटर का एफिशिएंट यूज करिएगा ताकि आप लोगों को मार्क्स मिले अच्छे, ठीक है जी सर? क्लियर है बेटा? यस सर. चलिए जी, ये हमने कल कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था. आई होप कि आप लोगों के ये क्वेश्चंस हो गए हैं. यस सर. ओके आखिरी वाला करवा देता हूँ खाली, डेरिवेटिव वाला, ठीक है? डेरिवेटिव में याद रखें, जब आप भी डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे तीन टर्म्स मौजूद हैं. तो डेरिवेटिव में डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1. तो ये 2, 3 से मल्टीप्लाई होता है, 2, 3 इज 6x और पावर में से एक माइनस, तो 6x आ गया प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 एंड दैट इज इक्वल, ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव. तो 6x प्लस 4 इज द आंसर. बेटा डेरिवेटिव में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? बेटा डेरिवेटिव में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? होंगी तो बताएंगे इंशाल्लाह. ओके चलें जी, ये हमने आपको कह दिया था कि बाकी आप आसान आसान सवाल खुद करें. ओके कहता है फाइंड एंगल QPR,
तो QPR, तो QPR ये हो गया, ठीक है. ओके, इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो साइन रूल या कोसाइन रूल लग सकता है. तो तीन साइड्स नजर आ रही है, तो इट्स अ कोसाइन रूल. तो आप पहले नाम दे दें, इट्स स्मॉल पी, दिस इज स्मॉल क्यू एंड दैट इज स्मॉल आर. तो स्मॉल पी के लिए बनाना है हमें, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू क्यू आर कॉस ऑफ पी. ये बन गया हमारा कोसाइन रूल. अब वैल्यूज पुट कर दें, 38.2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इज 39.4 स्क्वायर. ओके, 39.4 स्क्वायर माइनस 46.5 स्क्वायर माइनस 2 इनटू 39.4 इनटू 46.5 इनटू कॉस ऑफ पी. सब्जेक्ट मेकिंग करनी है, इन दोनों को वहां पे लेफ्ट लेकर आएंगे तो हम ये हो जाएंगे माइनस. समझ आ रही है बेटा? प्लस है, सॉरी, माइनस 46.5 स्क्वायर डिवाइड बाय ये माइनस 2, 39.4 और 46.5 कुलसुम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये डिवाइड होकर आते हैं, ठीक है ना बेटा? सर, जहां पे समझना पड़े पूछ लेना है, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन होगी. लेफ्ट हैंड साइड को ब्रैकेट में डालें और कॉस इनवर्स ले लें, ठीक है? कॉस इनवर्स आंसर, लेकिन पहले ब्रैकेट में, ब्रैकेट को कैलकुलेटर में डालना जरूरी है. तो पहले फ्रैक्शन 38.2 स्क्वायर माइनस 39.4 स्क्वायर माइनस 46.5 स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 2 ब्रैकेट 39.4 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 46.5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स. तो ये आ गया आपके पास ये आंसर. अब इसका कॉस इनवर्स लेना है, तो शिफ्ट एंड कॉस इनवर्स आंसर, सो दैट इज इक्वल्स टू 52.0. तो 3-1 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं, तो 52.0 जो है हम लोग लिखेंगे, 52 नहीं. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दैट इज 52 डिग्री, क्योंकि लिखना जरूरी है साथ साथ. कहता है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू पी आर. तो ये देखें जरा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू पी आर, तो पी आर की तरफ आपने क्यू से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है, ठीक है? इसका मतलब है कि यहाँ पे 90 एंगल बनेगा, यस और नो? तो इस ट्रायंगल को कर लें जरा आउट ऑफ, तो 180 माइनस 52 माइनस 90. सब, एक मिनट, ये 90 हो गया, ये 52 हो गया, ठीक है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पी क्यू गिवन है, यस और नो? विच इज 46.5, ठीक है? ओके, तो ये एंगल जो है 90 माइनस 52 इज व्हाट, 28 या 38? तो पी क्यू निकालना है हमें, ये निकालना है एक्स, ये एक्स हो जाएगा. तो एक्स क्यू निकालना है, तो साइन रूल लगा लूं कुलसुम, एक्स क्यू डिवाइड बाय, एक्स क्यू डिवाइड बाय व्हाट बेटा? एक्स क्यू डिवाइड बाय व्हाट क्या आएगा? उसके सामने का एंगल x क्यू डिवाइड बाय साइन 52 इज इक्वल्स टू 46.5, और 46.5 के सामने कौन सा एंगल है कुलसुम? 96.5 के साथ, 46.5 के सामने 90 है ना जी, दैट इज व्हाट साइन रूल इज. बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखो, आपकी ट्रिग्नोमेट्री मुझे वीक लग रही है. चलो जी, ठीक है. एक्स क्यू इज इक्वल टू, ये तुम्हारा वीकेंड का टास्क है, तुमने ये करना है, साइन 90 मल्टीप्लाई बाय साइन 52. तो साइन 90 ऐसे भी 1 होता है, हमें पता है. तो 46.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 52, सो द आंसर इज 36.6. सो 36.6 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ऑल राइट मरियम, लुक एट पार्ट बी. द डायग्राम शोज अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए जी, मतलब ए टू जी की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो ए टू जी हमारे पास है ही नहीं कुछ पहले, तो हम लोग लाइन लगा लेंगे कि हमें ये रेड लाइन चाहिए. इस रेड लाइन को लगाने के लिए मुझे डायगनल पे मुझे पता है कि यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर भी होगी, ठीक है? और यहाँ पर ये नीचे जो ए बी सी है, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो ए बी सी को पहले आउट कर लेते हैं, ए बी एंड सी. मैं नीचे वाली ए सी निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल की मदद से, 29 और 21. तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है that AC square is equals to 29 square plus 21 square. So AC is equals to square root of these two, 29 plus 21, ये square लगा दें, calculator में डाल लें, square root 29
29 square plus 21 square. 35.8. So the answer is 35.8. Okay. अब ये जो अंदर ट्राइंगल बना है ए जी सी में ये निकाल रहा हूँ ठीक है. डबल डबल पैथागोरस लगना है इसमें देखना. ए सी एंड जी ऑब्वियस है कि ये भी 90 होगा. 20 ए सी आ चुका है हमारे पास 35.8. तो अब मैं फिर ए जी के लिए पैथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ठीक है. कुलसुम तो ए जी हमारी हाइपोटेन्यूस है तो ए जी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 35.8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. तो ए जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू 35.8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट 35.8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर सो दैट इज इक्वल टू 41.0 जो है ना वो हम लोग लिख देंगे. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर. समझ आइए बेटा सबको. जी सर ये बाद में नोट कीजिएगा जब क्लास खत्म हो जाए ठीक है. नोट करने में टाइम ज्यादा होता है. अच्छा कहता है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए जी एंड द बेस. अब जरा देखो जरा ए जी एंड द बेस में वापस पीछे जा रहा हूँ. ए जी एंड द बेस जरा देखें जरा. ए जी एंड द बेस इज दिस एंगल. यस और नो? यस और नो? तो हमारे पास ए जी सी ट्राइंगल मौजूद है तो हम लोग उसकी वैल्यूज को लगाएंगे ठीक है. तो ए जी सी ट्राइंगल हम लोग निकाल ले. एक काम करता हूँ मैं यहाँ से ये ट्राइंगल क्रॉप कर लेता हूँ. वेट अ मिनट. ओके चलो ये ट्राइंगल आ चुका है हमारे पास और हम लोगों को पता है कि अभी हम लोगों ने करना क्या है. इसका ये एंगल निकालना है ये वाला. तो हमें पता है कि दैट दिस इज परपेंडिकुलर और दैट इज बेस ठीक है. परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट में होता है. तो टेंजेंट ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 20 एंड द बेस इज 35.8. So A is equals to tangent inverse of 20 divided by 35.8. तो कैलकुलेटर में डाल लें. Shift and tangent inverse fraction 20 divided by 35.8 और ये कर लें आप ब्रैकेट क्लोज. So answer is 29.2 one decimal place तक देना है ठीक है. मिनाल समझ आ गई? Yes sir. Okay पढ़ें बेटा question. The diagram shows the position of a lighthouse L and two ship K and M. Okay, तो बस ये हमें already नजर भी आ रहा है ठीक है. तो ये first line ऐसे useless थी. फिर कहता है the bearing of L from K. L from K. Bearing of L from K. तो इसका मतलब है कि ये इस angle की बात करेगा. Is this clear? तो ये है 155. ठीक है बेटा. ओके एंड द बेरिंग ऑफ के फ्रॉम एम. बेरिंग ऑफ के फ्रॉम एम तो ये इस एंगल की बात करेगा क्लॉकवाइज. बेरिंग ऑफ के फ्रॉम एम तो ये बात करेगा 10 कि ये 10 है. अब जब ये 10 है तो आपको मैंने बताया था कि जब को इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइन होता है तो 180 के बराबर होता है. तो ये 10 है तो ऑब्वियस सी बात है इट इज 170. यस और नो? तो हम एंगल के निकाल सकते हैं. So that 360 minus 155 minus 170. तो ये कितना आता है बेटा? MKL is equals to what? क्या रहा बेटा? 35 sir. It's 35. तो ये 35 degrees हो गया. तो इधर लिख लेंगे लो 35 degrees. अभी मांग क्या रहा? Find the bearing and distance of ship M from lighthouse L. तो lighthouse L तक बनाते हैं. तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक straight line लगा लेते हैं अपने समझने के लिए. और ये angle भी निकाल लेते हैं. 180 minus 55 करेंगे तो ये आ जाएगा 180. माइनस 55 इट इज इक्वल टू 125. ये 125 होगा. ओके नहीं
ये 180 माइनस 155 है, तो इट इज 25 आएगा खाली, तो ये हो गया बेटा 25 डिग्रीज। ठीक है बेटा, ऑल राइट। फिर ये कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड शिप ऑफ शिप एम फ्रॉम द लाइट हाउस एल, एल से एम की तरफ जाना है, तो मतलब वी नीड अ क्लॉक वाइज रोटेशन फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, हमें ये चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एंगल चाहिए, तो एंगल निकालने के लिए ब्लू एंगल जो है इसका नाम है के एल एम, यस और नो? दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 35 माइनस 96, तो ये कितना आता है बेटा? 180 माइनस 35 माइनस 36, 180 माइनस 35 माइनस 96, 96 यार थोड़ा गौर तो करे ना, 49, इट्स अ 49 डिग्री एंगल। तो आपको ये बेरिंग निकालने के लिए आपको पता है कि ब्लू एंगल आएगा 360 माइनस दीज टू, तो 360 माइनस 49 माइनस 25, तो 360 माइनस 49 माइनस 25 इट्स 286, तो 286 दैट्स द बेरिंग, ये हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ शिप एम फ्रॉम शिप एल, तो हमें अभी इसकी डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, तो ये ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं दोबारा बाहर, क्योंकि अंदर बहुत खप हो चुकी है, तो साइन रूल हम लोग आसानी से लगा लेंगे, तो कंसोम रेडी रहना। 49, 112, नाम लिखते हैं इनका, ये होगा के, ये है एम और ये है एल, तो हमें एम एल निकालना है ना, डिस्टेंस ऑफ शिप एम फ्रॉम एल, तो ये निकालना है बेटा। साइन रूल बताओ कैसे लिखूं? कुलसुम, कुलसुम गौर करें जरा, अननोन क्या है बेटा ये बताओ, एम एल अननोन है कि नहीं, यस और नो? ओके, एम एल के सामने कौन सा एंगल है, एम एल के सामने कौन सा एंगल है? 35, तो साइन 35। ओके, बाकी दो ये अननोन है ना, ये वाली, ये दोनों गिवन है ना, जी तो लिख लो 112 डिवाइड बाय साइन 96, समझ आ गई अब? जी जी, तो साइन 35 वहां पे ले जो, एम एल इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाय साइन 96 मल्टीप्लाई बाय साइन 35। आपने वीकेंड पे साइन को साइन रूल ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखनी है, ताकि आपका क्लियर हो जाए, और भी आराम से डिटेल में देखना, साइन 96 ब्रैकेट बंद करना जरूरी है, मल्टीप्लाई बाय साइन 35 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स, तो आंसर इज 64.6 लिखेंगे, और बेरिंग लिखेंगे 286 हमने ऊपर फाइंड किया है। तो ये पांच नंबर का क्वेश्चन था, डन, खत्म आ गया बेटा, खत्म हो गया बेटा, जी सर। ओके, ए बी इज अ लाइन एंड विद एम पॉइंट विद अ मिड पॉइंट एम, तो पहले मैं लाइन बना लूंगा, क्योंकि आप लोग पेपर में गलती यही करते हैं कि आप लोग लाइन नहीं बनाते, ठीक है? तो कहता है ए बी इज अ लाइन विद पॉइंट एम एज अ मिड पॉइंट, तो ये ए दैट इज बी, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, इसका कोऑर्डिनेट है 12, 7, और यहाँ पर होगा मिड पॉइंट M, तो जाहिर सी बात है x1 plus x2 divided by 2 करना है ना, 2 plus 12 divided by 2, comma 3 plus 7 divided by 2, तो 2 plus 12 14, 14 divided by 2 is 7, and 3 plus 7 10, 10 divided by 2 is 5, तो 7 and 5 is the midpoint, yes or no? सॉरी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती होगी, M midpoint is 12, ये गलती होगी, हमने क्वेश्चन जरा जल्दी रीड कर लिया, ये M का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, M कोऑर्डिनेट इज 12 एंड 7, हमें B नहीं पता, मतलब X2 और Y2 नहीं पता, तो X2 Y2 निकालना, तो we know that X1 plus X2 divided by 2 that is equals to, ये क्या होगा, X1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, X2 is unknown, divide by 2 करके we are getting 12, yes or no? Yes or no? Yes, yes. दो पीसेज हैं बेटा, दो पीसेज हैं, x1 x2 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, ये लिखा हुआ है आंसर यहाँ पे, तो 2 को वहां पे ले जाएं, तो 2 plus x2 is equals to 24, तो 2 वहां से माइनस कर लें, तो x2 is equals to 24 minus 2 is 22, तो ये आ गया हमारे पास 22। अब y की बारी है, तो काशिफ बेटा y1 plus y2 divide by 2 करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा ना, जी सर आएगा बेटा, ये 7 आपके सामने नजर आ रहा है कि ये आपके पास मिड पॉइंट गिवन है, तभी मैंने लिख दिया कि इक्वल टू 7 है, ठीक है जी सर, तो y1 है 3, 3 plus y2 divided by 2 is equals to 7, तो 7 2 जा 14, 14,
14 में से 3 माइनस कर लो, तो by 2 is equals to 14 minus 3, 11. by 2 is equals to 11. तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले के जरिए हमने दो कोऑर्डिनेट निकाल लिए. कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. तो पहले पेज को डिस्ट्रीब्यूट कर लें क्योंकि जगह कम पड़ सकती है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो ये जरा देखो मैं दोबारा लाइन बना रहा हूँ, ए बी, ये हो गया M, ये यहाँ से हमारी लाइन गुजरी थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर भी होगा बाइसेक्टर भी होगा. M के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 12, 7, A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2, 3, ओके, B के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं विच इज 22 एंड 11, ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है y is equals to mx plus c, ऐसा ही है बेटा. हमें इस ब्लू लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए. तो हमें पता है कि when two lines are perpendicular, तो product of their gradient is equals to minus one. Remember that? Yes. ठीक है. So पहले M1 निकालते हैं, AB का gradient निकालेंगे और फिर M2 निकाल लेंगे. तो M of AB is equals to Y2 minus Y1, so 11 minus 3 divided by X2 minus X1 means 22 minus 2. 11 minus 3 is 8 and 22 minus 2 is 20. तो 8 divided by 20 is 2 by 5. Yes or no? So M2 निकालते हैं, M1 multiply by M2 is equals to minus 1, M1 की वैल्यू आई है बेटा 2 by 5, M2 is equals to minus 1, M2 जब ये 2 by 5 वहां पे जाएगा तो फ्लिप होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा minus 5 by 2. बेटा इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, इस लाइन का इस ये आप जरा ये गौर करें, ए बी का ग्रेडियंट निकाला है हमने, ठीक है, यस और नो? क्योंकि उसी का ग्रेडियंट निकाल yes. सकता हूँ मैं, ब्लू लाइन का ग्रेडियंट निकाल नहीं सकता, उसके लिए मेरे पास दो पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट है जी. तो फिर मैंने M1 मल्टीप्लाई बाय M2 करके आपने ब्लू लाइन का ग्रेडियंट निकाल लिया, वो जो कि माइनस 5 बाय 2 आया, समझ आई जी? यस सर. तो ये हो गया y is equals to minus 5 बाय 2 x plus c, ओके, एज द लाइन इज पासिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट, डू यू एग्री? यस सर. सो पुट द मिड पॉइंट, पुट 12 and 7, because line is passing from 12 and 7 to get C, C is y intercept hota hai. So y ki jagah pe likhenge 7 over minus 5 by 2 into 12 plus C, 2 1s are 2, 2 6 are 12 katta hai. 7 minus 5 into 6 is minus 30. Minus 30 wahan pe jayega to plus ho jayega. So C is equals to what? 37. Yes or no? So y is equals to mx plus C is the answer. Yes or no? तो y is equals to minus 5 by 2 x plus c हमारे पास आया है 37. जरा ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करें बेटा. पहले 37 ऊपर हमने शो करना है कि ये इक्वेशन ऐसी आनी चाहिए, तो 74 इस साइड पर होना चाहिए, ठीक है. तो ऐसा करते हैं 37 को इधर ले आते हैं, y minus 74, सॉरी या नंबर को उधर ही छोड़ देते हैं. तो y plus 5 by 2 x is equals to 37. बेटा दो फ्रैक्शंस ऐड होती हैं तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं हम लोग के नहीं जी सर. तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा खाली इस साइड पे, तो ये हो जाएगा 2y डिवाइड बाय 2 plus 5x डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 37. तो ये हो जाएगा 2y plus 5x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 37. ये 2 वहां पे जाकर मल्टीप्लाई होगा जी सर, 37 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 74 शोन. यही ऊपर मांग रहा था हमसे, हमने शो कर दिया एग्जामिनर को, ठीक है बेटा. 2y plus 5x is equal to 74. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. यस और नो? यस सर. बेटा इसको आप लोग करेंगे तभी आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होगी. तो इसके लिए कोशिश ये करनी है कि एक तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा हो, ताकि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आपको आना चाहिए, समझ आई जी सर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. ओके, ये लिखें बेटा क्या लिखा हुआ, कहते द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पासेस थ्रू द पॉइंट एन. जरा देखो क्या नाम है आपका, क्या नाम है उसका, काशिफ? यस सर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, उसकी इक्वेशन आ गई ना तुम्हारे पास ऊपर? यस सर.
दैट इज 2y + 5x = 74। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। कहता है द पॉइंट n है, इट इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट n, n से पास कर रही है और n के कोऑर्डिनेट क्या लिखे हुए हैं? 2 और n। ओके, x की जगह पे 2 डालो, n की y की जगह पे n डाल दो, तो 2n plus 5 into 2 = 74। 5 2s are 10। 10 वहां पे जाके क्या होगा? माइनस, डिवाइड बाय 2 करो तो क्या होगा? 32। तो n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 32। इज दिस क्लियर? यस। कहता है पॉइंट्स ए एम एंड एन फॉर्म अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। पॉइंट ए एम और एन जो है ये ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? ट्रायंगल। ओके, जरा पॉइंट ए और एम देख लें ऊपर। ये पॉइंट ए एम है, ये ए हो गया, ये एम हो गया, ठीक है जी। ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 2 एंड 3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m is 12 and 7, and the coordinate of n is 2 and 32. The 2 and 32 upar hoga ke niche hoga, kahan par hoga? Niche ho, 2 and 32 upar hota hai beta ji sir, 2 and 32 kahan par hoga? Upar, theek hai। To ye ek triangle bana rahe hain, ठीक है। और अगर आप इसको प्लॉटिंग करके भी देखना चाहते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, बड़ा आसानी से समझ आएगी आपको कि आपने करना कैसे है। समझ आ गई आपको? जैसे फॉर एग्जांपल जरा मैं इस क्वेश्चन को लेके जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, जरा समझाना जरूरी है। ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो आप लोगों को समझ आएगी बड़ी अच्छी। जरा इधर देखें बेटा प्लीज, ऑलराइट, देखे नजर आ रहा है बेटा सबको? सर, यस सर। ओके, जरा मैं यहाँ पे देखें ग्रिड बना रहा हूँ जरा, ठीक है, मुझे ये पॉइंट जरा प्लॉट करना है, ठीक है। ओके, एक पॉइंट है मेरे पास 2 3, एक्स इज 2 एंड y इज 3, तो मैं यहाँ पे 2 का गैप दे देता हूँ, तो ये 2 एंड y इज 3 आ रहा है हमारे पास, तो ये होगा 3 यहाँ पे। यस और नो? यस सर। बेटा ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ठीक है। पॉइंट बी देख ले बेटा, 12 एंड 7 है, तो 2 4 6 8 10 12। यस और नो? और 7 होगा, 4 5 6 7 7 यहां पर होगा, सो 12, एंड ये हो गया जी मेरा पॉइंट एम। यस और नो? यस। पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट आए हैं 2 एंड 32। 2 एंड 32, तो 2 एंड 32 कहां पर होगा जरा देखो? 2 एंड 32 तो काफी ऊपर होगा ना, यस और नो? यस सर। तो 2 ये है मेरे पास और 32 ऊपर है, यस और नो? जी। ओके, जरा यहाँ पे जरा देखें, ये मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लिया मैंने। पॉइंट एन बेटा यहाँ पर कहीं पर है और उसका कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 32 है कि नहीं? यस। वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 32। वाई कोऑर्डिनेट है बेटा, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, अच्छा पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ, दैट इज 2 एंड 32। अब जरा मेरी बात सुने, ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना कि नहीं जी? तो 32 माइनस वो करें जरा 3, तो 29 आता है। यस। इसका मतलब है कि पॉइंट एन यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 29 है। समझ आ गई? क्या नाम है काशिफ? यस सर, आई है। ओके, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है बेटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट होता है ना? Yes, sir. तो बेस इज 29 और हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1 2 3 4 5। कितनी है हाइट? 5। तो 29 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 क्या आता है बेटा? 5। जी बेटा, ये क्या आंसर आता है आपका? 29 × 5 divided by 2 is 72.5। kitna aa raha hai? 72.5 fine। okay, 72.5, ek minute sab karna, 72.5, so do you think that this is the right answer? No clue sir। No clue, why?
Don't know, sir. It isn't. Okay, why? Reason? रीजन एक गलती हमने की है, देखो जरा क्या गलती की है. काशिफ जी सर, बेटा हमने कहा है कि यहां से यहां तक 5 यूनिट्स हैं, यस और नो? यस. जबकि नीचे नजर आ रहे हैं कि 10 है. क्या है बेटा? ओह यस, ठीक है. तो 29 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है यहां पे. क्या करना है? 29 मल्टीप्लाई बाय 10. तो इसका मतलब आंसर डबल हो जाएगा. 72.5 का डबल है 145. ठीक है बेटा? यस सर, समझ आ गई. ये इस चीज का पूरा पूरा ख्याल रखना है. अच्छा, आप लोगों ने समझ आई है? ओके जी सर. इजी? यस. एंड ऑफ. चलो, ये डिस्टिंक्शन क्वेश्चन था पेपर में. ओके, ये मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए. कर लिया बेटा आप लोगों ने? और ये आसान चीजें सर, एक बार कर ले. बस साइन करना तो मैं नहीं बनाता, वो कर लेना, वो आसान है. 5 sin x plus 4 is equals to 0. 4 उधर ले जाएं. 5 sin x is equals to minus 4. Sin x is equals to minus 4 by 5. मैं आपको कहता होता हूँ कि माइनस को इग्नोर करो, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए इग्नोर करो. तो साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय 5 निकाल लो. साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय 5 क्या आता है बेटा, जरा जल्दी कैलकुलेटर में करके बताओ. जी बेटा, 53.13. ओके, यहाँ पे ये प्लस का साइन बनाना है. यहाँ पे तमाम पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है. ये चार लाइनें बनानी है ऐसे. एक, ये हो गए दो, ये हो गए तीन, ये हो गए चार. ये जो आंसर आपके पास आया, ये x एक्सिस के साथ लिखने हैं. 53.13, 53.13. यहाँ पे भी लिखूंगा 53.13, 53.13. नाउ ये देखो जरा काशिफ, बेटा यहाँ पे माइनस नजर आ रहे? नहीं, माइनस नजर आ रहे बेटा? साइन x के साथ ऊपर माइनस था, हमने इग्नोर किया था उसको कैलकुलेशन करते वक्त. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी, तो साइन माइनस टेंजेंट और कॉस वाले एरिया में होता है ना? यस. तो एक एंगल है आपके पास ये वाला, ठीक है, और ये एंगल निकालने का तरीका है एक्स वन होगा हमारे पास 180 प्लस 53.13. ठीक है, पता है बेटा 123 आता है कि 133 आता है? 233 आता है मेरे ख्याल से. 233.13. यस और नो? ओके, ठीक है बेटा. तो 3 मार्क्स के लिए आपने 1 डेसिमल प्लेस पे एंगल को रोकना है. ठीक है, क्लियर है बेटा? ये 306.9 नहीं आ रहा? नहीं सर, 360 माइनस 53.3 है. 13 है यार, आपको नजर आ? नहीं सर, मैंने कैलकुलेटर पे जब डाला तो ये 3 आ रहा था बेटा. यार 360 मतलब है नहीं सर, यहाँ पे 233.3 आ रहा है बेटा. उसको मैं नहीं कह रहा हूँ आपको यार, 360 माइनस 53.13 कैलकुलेटर स्क्रीन पे 306.87 आ रहा है. सर आप खुद चेक कर ले सर. बेटा ये कैलकुलेटर पे ये आ रहा है कि नहीं, आप जरा ये कैलकुलेटर पे करके देखो. अभी ऐसी मेरे से गुस्सा सुनोगे और भी. 360 माइनस 53.3, फिर 313 नजर आ रहा है. यू ब्लाइंड? सर 413.13. देखा है गधा, आपको ये भी कैलकुलेटर में प्लॉट करना नहीं आता कि 360 माइनस 53.13 कैसे करते हैं.
Sorry, sir. Do it again. Yes, sir. 360 minus 53.13 और बार बार 3 बोल रहे हो, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपके पास, ये बताएं मुझे। हाँ जी, 0.87 का मतलब है 0.9 होगा जी। बेटा ये राउंडिंग की गलतियां पेपर में की ना तो खैर नहीं है तुम्हारी, बस इतना याद रख लो। जी अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, कोई जिस तरह की हरकतें हैं अल्लाह ने भी खैर नहीं करनी। फिर पढ़ो क्वेश्चन 10। बस जी सर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 11.4 14.8 एंड 15.7 ऑल करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। कैलकुलेट अपर बाउंड। एक मिनट ऑल करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। वन डेसिमल प्लेस को इसका मतलब है कि एक्यूरेसी इज 0.1 और एरर होगा 0.1 डिवाइड बाय 2, तो दिस इज 0.05। ठीक है, कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो अपर बाउंड ऑफ 11.4 प्लस 0.05 क्या आता है, तो इट इज 11.45 प्लस 14.85 प्लस 15.75, तो दैट इज व्हाट योर अपर बाउंड इज। 0.05 जो एरर है इन सब के साथ ऐड करना है, लोअर बाउंड होता तो माइनस करता। क्या आ रहा भाई, 42.05 is the answer. The diagram shows a circle radius. Calculate the area of the minor sector. तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो बस आसान है। Minor is equals to 150 divided by 360 multiply by pi r square means 15.6 square. तो area of the minor sector निकल आएगा। करो calculator में जल्दी से शाबा, लेकिन कोई value सही डालना, अगर हम जवाब गलत दिया तो खैर नहीं। सर 318.5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 318.5। ओके, तो 308.55, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करो, तो 319 इज द आंसर। 2 मार्क्स के लिए था वो क्वेश्चन, काफी आसान था। चलो जी पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है। The diagram shows a circle radius r centimeter and a minor sector angle x. The perimeter of the major sector is 3 times the perimeter of the minor sector. Show क्या मतलब है इसका, कि major sector का perimeter जो है वो 3 times है minor के। तो पहले यहाँ पे लिखो perimeter of minor, इधर देखें जरा, perimeter of minor that is equals to perimeter of major, perimeter of मेजर, लेकिन माइनर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब बराबर होंगे। यस और नो? यस सर। ओके, पेरिमीटर ऑफ माइनर क्या है जरा देखते हैं बेटा। पेरिमीटर ऑफ द माइनर होगा आर्क लेंथ प्लस रेडियस प्लस रेडियस। यस और नो? आर्क लेंथ यस प्लस रेडियस प्लस रेडियस, तो ये मैं लिखूंगा r plus r plus x divided by 360 multiply by 2 pi r एंड 2 बाई आर। ठीक है भाई, दैट इज इक्वल टू, अब माइनर की बात, अब मेजर की बारी आ गई है, तो वहां पे भी होगा r प्लस x है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस x। यस और नो? यस सर। 360 माइनस x डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई आर, तो 2 बाई एन आर। x को सब्जेक्ट बनाना है, तो बस सिंपल अलजबरा है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको एक्सपेंशन खुद कर सकते हैं कि नहीं? आप कर लें सर, बस सब काम मैंने ही करने हैं। 2r plus 2 pi r x divided by 360
is equals to 2R. Okay, 360 into 2 क्या आता है बेटा? 360 into 2 होता है 720 minus 2 pi rx, 2 pi rx divided by 360, ये हो गया जी, ठीक है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2s are 6 r plus 3 2s are 6 pi rx divided by 360 is equals to 2 r, ओके, तो 720 minus 2 pi rx, तो ये क्या आ रहा है बेटा? अच्छा मेरी बात सुनो, मीटिंग मेरी एंड हो रही है सर, ये तो ज़ुल्म है। हाँ, ये मीटिंग मेरी एंड हो रही है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? काफी डिटेल क्वेश्चन है, तो समझाना है इसको, ठीक है? वो की सर जी, ठीक है। अच्छा सर जी, कल तो क्लास नहीं है, फ्राइडे है, ठीक है, तो ये आखिरी वाले दो क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई, संडे है, सैटरडे संडे है, तो मैं होमवर्क पे जाऊंगा, दो पेपर पे जाऊंगा, एक पेपर टू और एक पेपर फोर, दोनों को आप लोगों ने सब करके और मुझे संडे नाइट तक आप लोगों ने मुझे सबमिट करना है, ठीक है? ओके सर जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।